नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस अशर। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ रचित भाई दोबारा से कनेक्टेड हैं कन्नौज से। तो रचित भाई के बारे में एक छोटा सा परिचय जो लोग आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उनके लिए। रचित भाई कन्नौज से हैं और अतर एसेंशियल ऑयल, गुलकंद और पान मसाला कंपाउंड के मैन्युफैक्चरर हैं और पिछले 100 साल से भी अधिक का इनका इतिहास है और ये 5th जनरेशन है जो इस काम को कर रहे हैं। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग नेचुरल अतर्स के बारे में, खुशबुओं के बारे में बताते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में जो रचित भाई ने मुझे टॉपिक बताया था उसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि आपके जो डाउट हों इस अतर को लेकर के, या फिर अगर आप डाउट नहीं भी हैं आपके और सिर्फ एक आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी इस तरीके का अतर होता कैसा है। तो रचित भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जी, ऊद रोज एब्सोल्यूट। सबसे पहले तो जो मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है होता क्या है, तो रचित भाई ऊद रोज एब्सोल्यूट ये 3 अलग अलग वर्ड हैं, इनका मतलब क्या, होता क्या ही है था? राम भाई देखिए, जब बात आती है ऊद की तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक चीज आती है कि एक लकड़ी होती होगी, जैसे हम अगर वुड के नाम से जानते हैं ऊद को, तो सबसे पहले एक बात आती होगी कि ऊद की लकड़ी होती होगी या ऊद क्या होता है, प्लांट रूट है या प्लांट रिसोर्सेज है, क्या चीज है। तो देखिए, ये प्लांट रिसोर्सेज होता है, ये एक प्रकार की लकड़ी होती है जिसको काफी लंबे टाइम के लिए सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद इसका प्रोसेस होता है, तब एक जो प्रॉपर एक रॉ फॉर्म की ऊद निकल के आती है, उसमें डेस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उसको सड़ा के प्रॉपर लकड़ी काफी दिन सड़ती रहती है, फिर लकड़ी सड़ने के बाद फिर हम उसकी खुशबू निकालते हैं, उसका तेल निकाल लेते हैं। इसके बाद उस तेल को निकालने के लिए, अच्छा उस तेल को हमने निकाल लिया तो एक बात आती है कि उसकी खुशबू बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती जो प्योर ऊद होती है। बाकी मैं ऊद लवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको ऊद काफी ज्यादा, जो बिल्कुल ऊद के दीवाने हैं, जिनको आप रॉ ऊद ही पसंद आती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऊद चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि उसमें उनको एक ऐसा ब्लेंड मिले ताकि टॉप नोट में एक किसी चीज की ब्लेंड हो, जैसे सेफ्रॉन हो गया, रोज हो गया, आपका वेटिवर हो गया, इससे पहले हमने बात की हुई है, तो उस टाइप की नोट वो चाहते हैं। तो इसीलिए हमने एक ब्लेंड तैयार किया है ऊद रोज एब्सोल्यूट। अब इसमें दूसरी चीज आती है कि ऊद रोज एब्सोल्यूट क्या होता है। ऊद रोज एब्सोल्यूट एक प्रकार का ब्लेंड है जो हमने अपना स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू बनाया हुआ है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, ऊद का जो तेल हमने निकाला, तेल के साथ जो है हमने इस पे रोज की खुशबू बिठाई हुई है। अब रोज की खुशबू ऐसे नहीं बिठाई कि उसमें सिर्फ हमने ब्लेंड कर दिया, हमने प्रॉपर जो हमारा अतर का प्रोसेस होता है या रोज निकालने का प्रोसेस होता है वो हमने निकाला, उसके साथ हमने उसको डिस्टिलेशन वाला जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें ही हमने इसको ब्लेंड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है रचित भाई। तो जहाँ तक मुझे समझ आया है रचित भाई, और दर्शकों के लिए मैं एक बार रिपीट भी करना चाहता हूँ, ऊद एक इस तरीके का इत्र होता है जो काफ़ी कॉस्टली माना जाता है, और जो इन्होंने जैसे बताया कि ऊद एक अगर वुड भी जिसे कहते हैं, एक लकड़ी है उसके मतलब रेजिन्स उसके निकलते हैं, उसको मतलब सड़ा हुआ पार्ट होता है वो उसका, एक तरीके से अगर मैं उससे साधारण भाषा में बताऊँ तो उससे बनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही महंगा अतर है, कई लोगों को नहीं पसंद आता है। तो रचित भाई ये कह रहे हैं कि उसमें इन्होंने रोज का ब्लेंड कर दिया ताकि आपको उसमें रोज़ के भी कुछ नोट्स मिल जाए। तो रचित भाई, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं कहीं गया था अपने फैमिली के साथ, तो वहाँ मैंने इस पर्टिकुलर अतर को अपनी पॉकेट में रख लिया था जी। मैं देखा जाए तो मैं, जैसे कि नेचुरल अतर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आपने जैसे बताया, मैंने स्टार्ट करा यूज़ करना, और मैंने ये ऊद रोज़ एब्सोल्यूट है ना, ये 2-3 इत्र जो मुझे, मतलब जिसको इत्र की ज़्यादा समझ बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको बिल्कुल पसंद आने वाले हैं। जैसे कि मैं मशकंबर की बात करूँ, ये पक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट अतर लगेगा, आप बिल्कुल यूज़ करिए। उनमें से एक ये ऊद रोज एब्सोल्यूट भी है जी। उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड, मैं पर्सनली करना चाहूँगा कि जिन लोगों के अतर की खुशबुओं की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है और वो कहते हैं कि कोई भी ट्राई करना चाहते हैं, तो जो लोग फ्लोरल करते हैं वो तो कर ही सकते हैं ट्राई। देखिए, गुलाब हमेशा चलने वाला है, खस हमेशा चलने वाला है, बट कुछ ब्लेंड जो लोग ट्राई करना चाहते हैं ना, वो ऊद रोज एब्सोल्यूट इसको ज़रूर ट्राई करिए, साथ में मशकंबर के साथ जी। रचित भाई जी 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 बिल्कुल। अच्छा, इसमें राम भाई मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ, जैसे ये बात होती है कि ऊद, जैसे बाकी मैंने अतर से बात होती है कि इसमें लास्टिंग क्या रहती है, प्रोजेक्शन क्या रहता है, तो देखिए इसमें जो बिगिनर्स हैं, जो मतलब जो पहली बार अतर ट्राई कर रहे हैं या कोई नेचुरल में आना चाहते हैं, तो इसमें ना वो अगर इसको ट्राई करते तो इनको लास्टिंग भी इसमें सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ऐसे जो हमारे प्लांट रिसोर्सेज चीजें, हमने उनको उन सब चीजों का इसमें यूज किया है ताकि इसमें जो स्टेबिलिटी है ना, इस जो ऑयल की
वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो गई है। आप लगाते हो तो कम से कम 7-7, 8-8 घंटे तक, जो मैंने लोगों को दिया है या जो भी हम सर्विस अच्छा परचेस करते हैं, तो 7-7, 8-8 घंटे तक क्लोथ्स पे प्रॉपर जाता है। बाकी आप अगर इनर एरिया में लगाते हो तो आप समझो 4-5-6 घंटे तक आराम से चलती है। और इसमें कोई ग्रेड का चक्कर नहीं है कि 126 ट्रेंड या सुपर सिल्क सिल्क, कोई भी नहीं, सिंगल प्रोडक्ट आता है इंडिविजुअल, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब बिक रही है। ठीक है, तो रजीत भाई अगर मैं बात करूँ जैसे रोज़, अभी ऊद और रोज़ की आपने बात करी, तो थोड़ी सी मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ, क्या इस, क्योंकि ये जो अतर है अभी प्राइस जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस नहीं करा है, ऊद में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, रोज़ में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, ठीक है, तो आपने कौन सी ऊद और कौन से रोज़ को इसमें लिया, और क्या अगर हम चाहें रोज़ का इसमें बहुत टॉप क्वालिटी का यूज़ करके अगर मैं लेना चाहूँ आपसे, या ऊद मुझे यही वाला चाहिए इसके अंदर कुछ ऐसा है, या सिर्फ आप एक ही बनाते हैं कि नहीं यही है और यही आप ले सकते हैं? देखिए राम भाई, एक फिर तो वो बात हो जाएगी कि 10 तरीके चीज़ें बेचने वाली बात हो जाएगी। जब उसमें अगर हम कोई चीज़ नहीं ऐड कर पा रहे हैं या हम कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं, तो सिर्फ एक बार बेचने के लिए हम उसको बना दें तो वो वाला चक्कर नहीं है। इसमें हमने कोई ग्रेड नहीं रखी हुई, हम जो इसमें ऊद का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर नेचुरल ऊद ही है, और वो हमारा जो थर्ड फोर्थ पार्ट में जो ऊद निकल के आती है, जो हमारा प्रोसेस होता है ऊद वाला, उस प्रॉपर प्योर उस ऑयल का यूज़ किया। और बाकी हम जो गुलाब, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा गुलाब का ऑयल आता है या जो गुलाब का इत्र निकल के आता है, उसके साथ इसका ब्लेंड बना हुआ है। कोई भी सिंथेटिक चीज़ नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, किसी टाइप का कोई केमिकल ऐड नहीं है, जो भी कुछ है वो प्रॉपर, जो भी अरोमा है एक प्रॉपर नेचुरल अरोमा है, प्लांट रिसोर्सेज है सारा, जो भी सब कुछ है वो एक नेचुरल एक ब्लेंड है। ठीक है, तो अचित भाई मैं एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि मैं बिल्कुल दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करने वाला हूँ आपसे, कि यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपने अभी बात करी कि ऊद रोज़ एब्सोल्यूट, सबसे पहले तो क्या ये आपका अपना खुद का प्रोडक्ट है, मार्केट में और भी लोग ही बना रहे हैं, और यदि बना रहे हैं तो आपका कोई क्यों ले, मैं कस्टमर हूँ, मैं आपसे क्यों लूँ, मैं तो अमेज़न पर डॉट जाऊँगा, फ्लिपकार्ट पर जाऊँगा, सर्च करूँगा ऊद रोज़ एब्सोल्यूट ब्लेंड सर्च करूँगा, वहाँ से लूँगा। तो ये मेरे दो प्रश्न हैं, आप ही बना रहे हैं क्या या आप अलग कैसे, ये दो प्रश्न। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं पहले इसमें आपको चीज क्लियर कर दूं, ये हमारा जो भी ओद रूज एब्सोल्यूट है, ओद सेफ्रॉन एब्सोल्यूट है और ओद वेटीवर एब्सोल्यूट है, ये अभी तक किसी ने नहीं बनाया। अगर हमारी कॉपी भी लोगों ने करी हो लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये हमारा खुद का ब्लेंड है, इसमें जो भी चीजें हमने यूज करी हुई हमारी खुद की चीजें हैं, काफ़ी लोगों ने लिया यहाँ पे, लोकल में भी काफ़ी लोगों ने लिया, बाहर भी भेजा इसको कॉपी कराने का, या मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, तो वो उसको कोई चीज़ पता नहीं लगा पाया उस चीज़ में। तो ये हमारा खुद का ब्लेंड है, इसमें हमने कोई भी हमारा बाहर का सोर्सेज नहीं है या कहीं भी किसी कोई फार्मुलेशन किसी का नहीं, हमारा खुद का फार्मुलेशन है, खुद का डिस्टिलेशन है ये। जी अच्छा, और बाकी अलग अलग आप कैसे हैं बाकी उसे? देखिए अबराम भाई, जब कोई इसको बना नहीं रहा है तो फिर आप बात समझ लो ये अलग ही हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आप कोई चीज़ बनाते हो और वो चीज़ अगर मार्केट में चल जाती है तो 10-20 लोग उसको कॉपी करने के लिए आते हैं। इसलिए देखिए, ऊद हमारे लिस्ट में आपको 20-30 तरीके की ऊद दिख जाएंगी, लेकिन अगर कोई पूछता है कि इसमें अगर मुझे आप कौन से रिकमेंड करते हो, तो जो हमारी टॉप सेलिंग ऊद हैं, जो हमारी टॉप सेलिंग ब्लेंड हैं ऊद की, वो सबसे ज़्यादा यही है, ऊद सेफ्रॉन, ऊद रोज़ और ऊद वेटीवर, तो मैं इनको ही रिकमेंड करता हूँ। बाद में अगर किसी को स्पाइसी नोट चाहिए या अलग अलग टाइप की नोट चाहिए, तो फिर हमने उसको एक अलग कैटेगरी बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हो ऊद यूनस है, ऊद वसल है, काफ़ी सारी ऊद उसमें अवेलेबल है। तो रजीत भाई, ये जो पर्टिकुलर अतर है, क्या ये ऊद लवर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या फिर जो लोग फ्लोरल पसंद करते हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि आपने क्या करा, दो तरीके का अतर लवर जो मैंने अभी तक देखे हैं, एक है जो बहुत मैस्कुलिन नोट्स, मैस्कुलिन अतर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट, जन्नतुल फिरदौस लेंगे, मजमुआ लेंगे, है ना, और अपना मशकंबर लेंगे, तो यहाँ पे, और या फिर जो फ्लोरल में जाना चाहते हैं, फ्लोरल का मतलब लड़कियों वाले नहीं है, फ्लोरल क्या है, बहुत कॉमन लोगों को पसंद आ जाता है, जैसे कि फ्लोरल में आपको जितने भी फ्लावर वाले बेस्ड अतर हो गए, यहाँ आपने दोनों को मिला दिया है, ऊद भी ले लिया है और यहाँ से रोज़ भी ले लिया है। तो मेरा ये प्रश्न है, जो लोग फ्लोरल अतर्स को अभी तक पसंद करते आए हैं, जो लोग ऊद को अभी तक पसंद करते आए हैं, क्या ये दोनों के लिए सही है या ये कहीं ना कहीं अलग ही सेगमेंट में आ रहा है, या सिर्फ ऊद वाले ही इसको ट्राई कर सकते हैं? तो ये किसको, मतलब जिसने ट्राई नहीं करा वो यदि विचार भी करता है कि मुझे कुछ ट्राई करना है नया, तो वो ये क्यों ट्राई करे, मतलब किस टाइप के, अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं तो किस प्रकार की खुशबुओं को चाहने वाले लोग इसको ज़रूर ट्राई करें? देखिए राम भाई, इसमें हम अगर बात करते हैं कि इसकी जैसे नोट्स क्या होगी, कौन सी खुशबू होगी, फ्लोरल है या आप समझो अंबरी नोट है या ऊदी नोट है, किस टाइप की, देखिए ये एक प्रॉपर ब्लेंड है,
तो ब्लेंड में इसमें क्या चीज होगी, इसमें ऊद का भी टच आएगा आपको, स्पाइसेस नोट्स भी मिलेंगे इसमें, और फ्लोरल तो है ही है। तो जी इसमें अभी तक जैसे जो भी हमारे अभी हमारे YouTube के थ्रू ले लो या आप हमारा इंडिविजुअल जो भी हमारा कस्टमर बेस है उसमें अगर हमने किसी को भी दिया जो फ्लोरल पसंद करता है, तो उन्होंने ऐसा फीडबैक नहीं दिया कि उनको अच्छा नहीं लगा हो, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉपर जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। इसमें जब आप फर्स्ट टिप लगाते हो अपने हाथ पे तो आपको एकदम लगेगा कि ऊद के साथ अगर रोज की हम बात करते हैं तो रोज की टॉप नोट आती है, फिर जब धीरे धीरे ड्राई डाउन में आता है तो ये ऊद के साथ आता है, फिर इसमें आप आओगे तो इसमें हमने सैंडल का भी यूज किया हुआ है तो आपको लास्टिंग में सैंडल भी मिलता है। फिर क्या होता है इसमें आपको स्पाइसेस भी आपको कुछ आप कुछ लगाते हो तो वो भी आपको समझ में आते हैं, इसमें स्पाइसेस भी है, तो एक प्रॉपर ब्लेंड है। इसमें इसकी कोई बात नहीं है मस्कुलिन के लिए है या किसी चीज़ के लिए, ये कोई भी ट्राई कर सकता है। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला ये बिगिनर्स भी लगा सकते हैं जिनको उस बात होती कि लास्टिंग क्या रहेगी, तो इसमें लास्टिंग का कोई चक्कर नहीं है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है रजित भाई, तो रजित भाई जैसे कि आपने सदर के बारे में बताया कि बिगिनर भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि ये अतर ही ऐसा बना दिया गया कि आप जो भी अतर के शौकीन हो, हाँ, मुझे लगता है ये एक ऐसा अतर है आप कोई भी अतर पसंद करते हो चाहे फ्लोरल चाहे नॉन फ्लोरल और भी ब्लेंड्स हो तो ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको। मैंने जो पर्सनल ट्राई करा, देखिए मैं कोई बहुत हार्ड कोर फ्लोरल की तरफ नहीं जाता, मैं कोई बहुत ज़्यादा नॉन फ्लोरल की तरफ नहीं जाता, मुझे एक थोड़ी सी ठीक ठाक खुशबू पसंद है, मतलब मैं बिगिनर के आसपास ही हूँ तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया। ठीक है रजित भाई, एक और चीज़ मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बेहतर बताया, अगर मैं इसमें खुशबुओं के बारे में बताऊँ, जैसे कि आपने मस्की ऊद की खुशबू बताई, जो ऊद जो लोग लवर वो समझते हैं, इसमें गुलाब का भी ब्लेंड आता है, आपने भी सैंडलवुड भी बताया, सैंडलवुड का भी टच ड्राई डाउन में जाएगा, इन तीन के अलावा कौन सा आपने बताया स्पाइसेस से रिलेटेड भी कुछ ब्लेंड है इसमें? और राम भाई इसमें आपको जब हार्ड नोट आएगी ना तो स्पाइसेस जो आएंगे वो अम्बरी नोट्स के साथ आएंगे, हमने इसमें अच्छा। अंबर का भी बहुत अच्छा बैलेंस दिया हुआ है इसमें, वो जी भी आप लगाते हो, आपने अगर हमारा ऊद वेटीवर देखा होगा तो जी हमने ऊद वेटीवर में ही उसमें भी सेम बेस लिया हुआ है, हमने ऐसा नहीं कि हमने बेस चेंज कर दिया, उसको भी जब आप लगाओगे तो फर्स्ट टिप जो आपको आती है वो आती है वेटीवर की, फिर वेटीवर जैसे ही ड्राई डाउन में धीरे धीरे जाता है फिर मस्क के साथ निकल के आता है आपका, स्पाइसिस भी होते हैं उसमें, और बिल्कुल लास्ट में आते थे सैंडलवुड के साथ जो एक जो मिक्सअप ब्लेंड निकल के आता ना, बहुत ही वो एक बढ़िया खुशबू होती है, बहुत ही लाजवाब खुशबू होती है, आप कोई भी ऊट ट्राई करो हमारा ब्लेंड, बहुत बढ़िया खुशबू आपको मिलेगी और प्रॉपर एक स्टेबिलिटी के साथ वो चीज़ आपको मिलेगी उसमें। ठीक है अचित भाई, तो ये जो अभी आपने बताया इसके क्या सैंपल पैक यदि कोई मंगवाना चाहे ट्राई करना चाहे सैंपल भी मिल जाएगा, 3 ग्राम 6 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम, कहाँ तक आप ये इसमें अभी अवेलेबिलिटी दे रहे हैं सैंपल पैक में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? हाँ राम भाई देखिए सैंपल पैक में हमारा वही है कि मिनिमम 1 ग्राम के 10 आपको पैक लेने पड़ेंगे, वो उसमें 1 ग्राम में ऐड है, बाकी हमारा 3 ml का 6 ml का और 10 ml का सिंगल यूज़ का प्रोडक्ट यूज़ है। और अभी हमने क्या किया हुआ है जो हमारी 1 ग्राम वाली बॉटल थी वो हमने चेंज कर दी है। अच्छा हाँ, तो हमने वो एक हमने वेसल ट्यूब जो आता है वो ट्यूब वाली फॉर्म की बॉटल हमने उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दी है, अभी अभी जो हमारा रिसेंटली ऑर्डर आया था उसमें भी हमने दी हुई है वही बॉटल दी हुई है, वो देखने में खूबसूरत होती है और उससे लगाना आसान होता है, उसमें डिपस्टिक होती है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती थी उसमें वो यूज़ नहीं कर पाते थे, कहते थे फैल जाता है, ये सारी चीज़ें थी, तो वो बहुत ही बॉटल है 1 ग्राम उसमें 1.5-2 ग्राम आ जाता है, तो हमने वही स्टार्ट कर दिया, बाकी सारी पैकिंग में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रश्न रचित भाई से पूछे हैं और कुछ कोशिश करिए कि अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आपके हम लोग दे सकें, पर इसके बाद भी यदि आपके कोई प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया, वहाँ पे जाके जो भी प्रश्न आपका किसी भी इतने एसेंशियल ऑयल या कंपाउंड से रिलेटेड हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। रचित भाई कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? ये राम मैं देखिए हमारा हम जो वीडियो बनाते हैं इसमें वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ ये होता है जैसे हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है तो उसके लिए एक अवेयरनेस कर सके कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या डिटेल्ड आपको कुछ चीज़ के बारे में एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में किसी कंटेंट के बारे में जानना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या आप हमें मेल कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करते हैं जब टाइम जैसा रहता है वैसा रिप्लाई करते हैं, क्योंकि वीडियो में सब कुछ बिल्कुल डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता, वरना अगर एक एक चीज़ को लेकर बैठेंगे तो एक एक टॉपिक के एक घंटे की बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, अतर में बिल्कुल इतनी गहराई है कि आप कितना भी उसमें बताते जाओ वो सब कम पड़ जाता है उसमें। ठीक है रजित भाई, तो रजित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े और आपने आज इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी ऊद रोज़ एब्सोल्यूट के बारे में। इसके बाद भी यदि आपके कोई प्रश्न है, आपको प्राइस लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है, आप आराम से उसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद अजित भाई जुड़ने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतने यहाँ तक देखा, अपना समय दिया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।